Hello everyone, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel Classmate. आज आप लोगों का एलजेब्रा के पहले लेसन में टाइप 7 करने जा रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और आप लोग भी तैयार हो जाएं, कॉपी कलम निकाल लें और हेडिंग लगा लें, एलजेब्रिक आइडेंटिटी टाइप 7. जैसा कि फॉर्मूला पिछले क्लास में भी बताया गया है, क्या फॉर्मूला बताया गया था? एफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल 3abc, ठीक है? या इसे डिवाइड कर सकते हैं ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc. ये जी कब होगा? जब पहला केस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो या ए इक्वल बी इक्वल टू सी. बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना जा रहे हैं, ध्यान रखिए कि यह वैल्यू इसके बराबर है या इतना और इतना का अंतर जीरो तभी हो सकता है जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो, ठीक है? यह कब होगा? जब ए बी सी आर डिस्टिंक्ट अलग अलग ए बी सी क्या होगा अलग अलग एलिमेंट हो और बराबर पर कब आएगा? जब ए बी सी आर पॉजिटिव. दिख रहा है ए बी सी यहाँ क्या है? पॉजिटिव लिखे हुए, ठीक है? और यहाँ ए बी सी क्या डिस्टिंक्ट है. अब बात को समझिए, यदि हम इसको जीरो करना चाहेंगे तो हम देखिए हम वन माइनस वन जीरो भी ले सकते हैं तो जीरो हो जाएगा. यहाँ पुट कर लें या वन रखेंगे माइनस वन प्लस जीरो माइनस जीरो, वन माइनस वन क्या आ जाएगा? जीरो. पुट कर लिए, ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू माइनस वन, सी का वैल्यू जीरो, तो ये क्या रिजल्ट आया? वन माइनस वन जीरो आ गया. या ये कब आया जीरो? जब ए बी सी अलग अलग लिए तो वन माइनस वन जीरो अलग अलग डिस्टिंक्ट है. और जब ए बी सी आर पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो उस केस में बराबर लेना पड़ेगा. यदि ए बराबर बी बराबर सी इक्वल वन या टू या थ्री कुछ भी कर लें, क्या होगा? वन 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 थ्री माइनस थ्री, थ्री माइनस थ्री कितना होगा? जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता, ठीक है? आए इसी रिगार्डिंग कुछ एग्जाम्पल लेंगे. ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू देन ए स्क्वायर बाय बी सी बी स्क्वायर बाय सी सी स्क्वायर बाय ए बी का अमाउंट क्या? इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? ए बी सी, ठीक है, मिल जाएगा. या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, तभी जैसे हमको बताया गया जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू कितना हो जाएगा? थ्री ए बी सी बाय ए बी सी. आंसर आ जाएगा, ठीक है, एडिशन दिया होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी सी माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस सी ए माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर ए माइनस बी. इसमें कुछ कंडीशन आपको नहीं दिया है, या खुद आपको समझना पड़ेगा. यह हो गया x या y और या z, x प्लस y प्लस z. x किसको ले रहे हैं? x हो गया a माइनस y, किसको ले रहे हैं? b माइनस z, किसको ले रहे हैं? c माइनस z. सब जोड़ेंगे तो ये जीरो क्या आ गया? तब बताएंगे आप x स्क्वायर बाय y z, y स्क्वायर बाय जेड एक्स और जेड स्क्वायर बाय ए एक्स वाई,
क्या माना जाएगा? अभी जस्ट निकाले थ्री, इसका आंसर हो गया कब आया? जब x प्लस वाई प्लस जेड का मान, क्लियर? या माने हुए x किसके लिए लिए हैं? a माइनस बी लिख दिए, y किसके लिए? b माइनस सी, z किसके लिए है? c माइनस, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। x माइनस वाई का होल क्यूब, y माइनस जेड का होल क्यूब, जेड माइनस एक्स का होल क्यूब बार फोर टाइम्स x माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस। तभी आपको बात बताया गया कि जब a प्लस बी प्लस सी, ए मतलब x माइनस वाई, बी मतलब y माइनस z, सी मतलब z माइनस x, ये जीरो हो रहा है तो a क्यू बी क्यू सी क्यू क्या होगा? थ्री ए बी सी। ए ले रहे हैं x माइनस वाई को, और यह हो गया b, और यह हो गया नीचे फोर ए बी सी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इफ x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड इक्वल टू जेड प्लस एक्स इक्वल फाइव, देन तो आपको बताना है x की ओर y क्यू और z क्यू का मान आए। इस बार क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐड कर लेते हैं, x प्लस y प्लस z ट्वाइस होगा, इसको 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 तीनों को ऐड कर लिए, टू टाइम्स करके आगे, यहां से मिल गया आपको x प्लस y प्लस z कितना, पाँच से आठ चार बारह दो से घट करेंगे छः, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा, वाई जेड घट जाएगा, वाई जेड थ्री घटाएंगे, ठीक है। y निकाल लेंगे, एक्स जेड घट जाएगा फाइव टू वन, और z निकालने के लिए एक्स वाई घट जाएगा, ठीक है। यहाँ आप कुछ से कुछ मान नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन थ्री है, वेरिएबल में थ्री है आपको, इसलिए तीनों का मान अलग अलग ही निकलेगा, फिक्स है। रख दीजिए वन क्यू सॉरी थ्री क्यू प्लस वन टू प्लस टू टू, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पहला ऑप्शन, एक तरीका होगा सबसे आसान तरीका होगा पुट करके ही निकाल लीजिए, ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें कि a प्लस बी प्लस सी माइनस फोर, ए बी सी का जीरो मान हुआ, जब a प्लस बी प्लस सी जब जीरो हो गया तो a क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी कमान क्या हो जाएगा, होगा
तब इसको जब सॉल्व करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस थ्री ए बी सी प्लस 12 ए बी, ठीक। तो यहां से मिल जाएगा आपका मान ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 12 सी स्क्वायर प्लस 48 सी माइनस 64 इक्वल आ गया कितना, तीनों टर्म आ गए इधर। अब रेस्ट जो टर्म उधर ले चले जाएंगे, 3 ABC माइनस 12 AB। इससे ज्यादा आसान क्या होता है, पुट कर देते हैं, क्योंकि टाइप हम लोग पढ़ रहे थे कि ए प्लस बी प्लस सी जब 0 है तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस ए बी सी इक्वल 0, या ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस ए बी सी बराबर हो जाएगा 3 ABC, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल 3 ABC। या पुट कर लेते हैं, क्या पुट कर लेते हैं, अब ए बी सी में 0 पुट किसी को लेंगे तो 0 होने की संभावना ज्यादा होगा, सबसे आंसर मैच कर जाएगा, इसलिए प्रयास करेंगे ए बी सी में किसी का मान 0 ना लें तो आंसर तीनों मैच कर सकते हैं। ए का बिंदु 1 1 माइनस प्लस 2 हो जाएगा 4। चलिए अब रख दीजिए, कितना मिल जाएगा एक्सप्रेशन से, 1 क्यूब 2 क्यूब माइनस 12 × c² 48 × c तो -60। क्या मिल गया, 8 × 2 = 10 -48 +96 -64, तो यह हो जाएगा, यह दोनों मिलकर हो गया -54, यह हो गया +48, ठीक है -6 आंसर आंसर। अब देखने ऑप्शन में पहले वाले में क्या, 2 × 1 नहीं आ सकता, यहाँ रखिए 3 1 1 2 12 1 1 6 -12 आ गया, यहाँ पुट करेंगे नहीं आएगा, यहाँ ही पुट करेंगे तो ठीक है, ए एक्स इक्वल ए प्लस प्लस देन इसके लिए ऑप्शन दिया गया है 2a³ -2a³ 1 और 0, यह सवाल है, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका क्या होगा, पुट कर लेंगे, इसे आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि जब 1/3 1/3 है तो होल क्यूब करना पड़ेगा, होल क्यूब करेंगे x³ आएगा, उधर x के रूप में आंसर आ जाएगा, तो क्यूब करना पड़ेगा, उससे बेहतर हम लोग पुट कर लेते हैं। अरे हम पुट कर लें, ए का मान 0 और बी का मान, ए का वैल्यू 1 कर लेते हैं और बी का वैल्यू, एक्स कितना निकल जाएगा, ए 1 करेंगे बी 0 तो 0 + 1 = 1 ही हो गया, क्या बात समझ आ रही है। अब जब ए का वैल्यू 1 लेंगे बी का वैल्यू 0 तो 1 का स्क्वायर रूट 1 1 1 2 2 का क्यूब, इधर 1 - 1 0 होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 और यहाँ 1 + 1 1 1 का स्क्वायर रूट 1 1 - 1 0, इसको पुट कर लेना, इसलिए x³ + 3bx - 2a, तो ये तो 0 हो गया, x³ (2 + 0 - 2a) = 1 आंसर आ गया 0, ठीक है। ऑप्शन में आप देख लें, यह 0 नहीं हो सकता, यह 0 नहीं हो सकता, यह तो नहीं होगा, हो गया ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, p/q q/r r/p = 1 q/p r/q p/r = 0 then p/q का होल क्यूब q/r का होल क्यूब
और आर बाय पी का ये अमाउंट बताना है क्या आई, इसको क्या करें, इसको ए ले लेते हैं और या बी या सी, क्या हो जाएगा पी बाय क्यू को ये माने क्यू बाय पी हो जाएगा वन बाय बी वन बाय सी का मान कितना आ जाएगा जीरो। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी जीरो वाला आंसर लेगा। आपको फाइंड करना है ए क्यू बी क्यू और सी क्यू का मान, पी बाय क्यू ए क्यू बाय आर बी और आर बाय पी का मान सी, क्या फॉर्मूला आ जाएगा। ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान आपको निकालना, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस ए बी सी और कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक तो यह फॉर्मूला पड़ेगा, एक और भी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, इसको जब बदलेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी बी सी प्लस सी। ये फॉर्मूला पिछले क्लास में आपको बताया गया, अब आप लोग बताएंगे यहाँ पे यद मान ए क्यू बी क्यू सी क्यू रख दीजिए मान, हम लोग एक्चुअली मान निकालना किसका है ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान निकालना है। अब जैसे मान यहाँ पुट करेंगे आप तो यहाँ से मान आपको मिल पा रहा है, किसका मान मिलेगा कि जब ए प्लस बी प्लस सी का मान 1 तो ये तो 1 हो जाएगा और यह भी 1 हो गया, और यहाँ जब पुट करेंगे मान इसका मान कितना आ चुका है 0 आ चुका है, क्लियर है। अब बात रह गई यहाँ पे कि ए इंटू बी इंटू सी का मान कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आपको मिल पा रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है 3 ए बी सी है ना, तो ए बी सी का मान क्या करना होगा, एक जगह आप ले लें कितना पी बाई क्यू, क्योंकि ए बी सी का मान 1 हो जाना है, एक जगह कितना पी बाई क्यू क्यू बाय आर आर बाई क्यू है ना, तो यहां से इसका मान हो गया। दिखाई दे रहा आप लोगों को, ठीक है 1 इधर से आ गया 1 बस वही आया, ये भी 1 1 का स्क्वायर 1 बस 0 हो गया। तो यहां से फाइनली आपका मान निकल गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान कितना 1 प्लस 3, क्लियर है। फिर बात समझ गया, दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, ठीक है आइए यहाँ इसको ए लिए या बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी 1 हो गया या 1 बाय हो जाएगा क्योंकि इसका ये रेसिप्रोकल था, तो ये रिलेशन मिल गया। आपको बताना था इसका मान कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू क्या, साथ ही साथ ये पता चल गया क्योंकि ए इंटू बी इंटू सी भी चाहिए था, ए हो गया पी बाई क्यू बी हो गया क्यू बाय आर और सी हो गया आर बाय क्यू, उसका प्रोडक्ट बना गया। जैसे इस फॉर्मूले में हम इस्तेमाल करेंगे जिसका फैक्टर इस रूप में भी आता है और इस रूप में भी आता है। अब मान पुट कर लिए ए प्लस बी प्लस सी का मान आप 1 निकाल चुके हैं, ए प्लस बी प्लस सी का मान 1 हो गया यहाँ पर और ए बी बी सी सी ए का मान 0 आ चुका है और ए इंटू बी इंटू सी का मान 1 आ चुका है, यहाँ फाइनल आंसर कितना आ गया। ठीक है देखिए सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, यहाँ से आप देख पा रहे हैं ठीक है, तो जब ए प्लस बी प्लस सी 0, ए मतलब एक्स माइनस वाई, बी मतलब हो गया वाई माइनस जेड, सी मतलब हो गया जेड माइनस, जब तीनों को जोड़ेंगे 0 होगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू 3 ए बी सी बाय यहाँ 3 ए बी सी होगा, एक जगह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
बी हो गया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, सी हो गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यह कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी इंटर माइनस बी तोड़ेंगे तो माइनस कैंसिल हो गया, मिलेगा वन बार एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। ठीक है, इसमें जब आएगा पुट कर लें वन वन माइनस वन, तो वन आ जाएगा, वन इंटू वन वन, वाई इंटू जेड माइनस वन, जेड इंटू एक्स माइनस वन, माइनस वन आ जा रहा है, वन वन माइनस वन, इसके साइड कर लो। ठीक है, पुट कर, चूंकि आपको मालूम है कि इक्वेशन वन टू थ्री और भरे वाले में थ्री है, तीनों का वैल्यू फिक्स है, वन क्यू माइनस वन आंसर हो गया। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि ए प्लस, इसको हम लिख लें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस माइनस ए का होल क्यू माइनस थ्री ए बी माइनस, है ना, अब पढ़ चुके हैं ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस ए बी सी का मान जीरो होगा, कब होगा जीरो, जब ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो, है ना, सी का मान जीरो, तो यहाँ पैसा कर लें, यहाँ माइनस नहीं होगा प्लस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ मान हो गया 1.21, डी हो गया 2.12 प्लस सी माइनस सी, माइनस सी करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, याद रखना है ए प्लस बी प्लस सी, ए हो गया यह, बी हो गया यह, सी आपका यह मान, उसमें आगे माइनस लग गया, करने वाले जीरो हो गया, एक टू बी टू सी टू का मान इसमें आया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ए क्यू प्लस माइनस बी का होल क्यू माइनस सी का होल क्यू माइनस थ्री ए बी की जगह माइनस बी, सी की जगह माइनस सी, सवाल है थ्री ए बी, यहाँ लिख सकते हैं माइनस बी माइनस सी, प्लस सी हो जाएगा माइनस आ ही जाएगा और यह सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो यह जीरो तभी आया है जब ए बराबर बी बराबर ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी का मान जीरो तभी होगा जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर, यहाँ पता चल गया ए इक्वल बी प्लस। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारे सवाल आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, तो इससे सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि,